Next question A stone of mass 1 kg tied to an extensible string or an inextensible string of length L is equal to 10 by 3 meter is whirling in a circular path of radius L in a vertical plane. इफ रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग टू द मिनिमम टेंशन स्ट्रिंग इज फोर इज टू वन एंड इफ जी इज टेकन टू बी टेन वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल एट द हाइस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल ना वर्टिकल सर्कल का सवाल है बड़ा ही अच्छा सवाल है इसको ऐसे समझें uh, कि यह आपका पार्टिकल है जो वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है ठीक है तो ये आपकी लोएस्ट पॉइंट है यह आपका हाइस्ट पॉइंट है हमें यह पता है कि लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन जो है उसको हम लिखते हैं टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी ये लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन है और यहाँ की वेलोसिटी आप लिखोगे लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, इस वेलोसिटी की वैल्यू अपने को बतानी है uh, नहीं अपने को हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है <coughs> uh, इस पॉइंट पे टेंशन हम लिखते हैं टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज एम वी हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस एम जी आपकी टेंशन uh, की वैल्यू लोएस्ट और हाइएस्ट पॉइंट पर वैल्यू होगी अब इन दोनों का रेशियो फोर इस टू वन अपने को दिया हुआ है और एट द सेम टाइम हालांकि एट द सेम टाइम अगर यहाँ नोटिस करें एक और चीज़ अगर हम वर्क एनर्जी थोरम यहाँ पे अप्लाई करें तो वर्क एनर्जी थोरम से हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस कनेक्टिंग एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस कनेटिक एनर्जी फाइनल और ये हम बात कर रहे हैं इस प्लेस को इनिशियल और इस प्लेस को फाइनल मान के हम एनर्जी कंजर्वेशन लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ वर्क डन बाय आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो है वर्क डन बाय सूडो फोर्स जीरो है और साथ के साथ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज भी हम जीरो मानेंगे यहाँ पे हालांकि तो यहाँ पर अगर आपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना आ, तो इस केस में इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो प्लस एनर्जी हो गई हाफ एम वी लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर इस जगह पे विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट इस लोकेशन पर होएगी एम जी मल्टीप्लाइड बाई टू एल्व बिकॉज यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आपका टूवेल्व ट्रैवल किया पार्टिकल ने तो उसकी एनर्जी एम जी टूएल्व हो जाएगी प्लस uh, हम लिखेंगे कान्टिंग एनर्जी हाइस पॉइंट पे हाफ एम वी हाईस्ट पॉइंट का स्क्वायर ना इसमें एम कैंसल हो जाएगा टू से अगर हम इसी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दें तो एक रिलेशन जो अपना आ जाएगा वो होगा वी एल का स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी एच का स्क्वायर प्लस फोर जी एल सो दिस इज वन इक्वेशन जिसकी हो सकता है हमें थोड़ी देर बाद जरूरत पड़े ना आपने को यहाँ पे रेशो दिया हुआ है uh, इन दोनों टेंशन के uh, बीच का रेशो फोर इज टू वन है यानी कि एम वी एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एम जी डिवाइडेड बाय एम वी एच का स्क्वायर बाय आर या बाय एल लिख लेते हैं इसको बाय एल माइनस एम जी दिस इज इक्वल टू फोर बाय वन नाउ अब इसको अगर हम ऊपर इक्वेशन को एल से मल्टीप्लाई कर दें दोनों को और एम इसमें एम कैंसिल हो जाएगा इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं वी एल का स्क्वायर प्लस जी एल डिवाइडेड बाय वी एल का स्क्वायर माइनस जी एल इज इक्वल टू फोर बाय वन अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा वी uh, एल का स्क्वायर प्लस जी एल यहाँ से इसको ले गए एक मिनट नीचे वी एच होना चाहिए सो दिस वी एच विल बी इक्वल टू फोर वी एच का स्क्वायर प्लस उधर जाके सॉरी माइनस फोर जी एल ये हो जाएगा क्वेश्चन अब हम वी एल की वैल्यू यहाँ से आ, इंसर्ट कर सकते हैं बिकॉज हमें फाइनली वी एच की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है वी एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है so जब ऊपर से इसको यहाँ इंसर्ट करेंगे ये इक्वेशन बन जाएगी वी एच का स्क्वायर प्लस फोर जी एल प्लस जी एल इज इक्वल टू फोर वी एच स्क्वायर माइनस फोर जी एल वी एच का स्क्वायर इधर ले जाएं फोर जी एल इधर ले जाएं सो so, अपनी इक्वेशन बन जाएगी थ्री वी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर प्लस एक फाइव प्लस फोर नाइन जी एल थ्री से डिवाइड करके वी एच की वैल्यू जो आ गई वी एच स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू थ्री जी एल इसमें अंडर उट हो जाएगा ये अब जो अपने को डेटा गिवन है उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे सो दिस विल बी इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू टेन एल की वैल्यू टेन बाय थ्री गिवन है सो so इसको सॉल्व करके अपनी जो फाइनल वी की वैल्यू आ गई फाइनल रिजल्ट यहाँ आ जाएगा वी एच विल बी इक्वल टू टेन मीटर पर सेकेंड सो इसका ये फाइनल करेक्ट आंसर है विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट चॉइस